अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम सेविंग बेसिक टिप्स। चलिए जी, आए शुरू करते हैं। मैंने चनों को ओवरनाइट सोक कर लिया था। चने बॉईल करने के लिए एक कुकर में पानी डाल के चने डाल दें, उसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालें और पानी को बॉईल होने दें। बॉईल होने के बाद इसका लिड क्लोज करेंगे, बॉईल होने से पहले बंद नहीं करिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने धनिया और पुदीना धोने के बाद उसको एक कपड़े पे डाल के उसका पानी ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद उसको साफ कर लें। मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है, सिर्फ साफ किया है, क्योंकि बाद में हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें लेके उनको भी काट लें। काटने के बाद इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दें और साथ ही हसब ज़ायका नमक और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि पेस्ट बने। फिर इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। मैंने यहाँ आइस क्यूब ट्रे ली है और उसमें मैं अपनी पेस्ट डालती जा रही हूँ ताकि जब हमें चाहिए हम अपने रायते की क्वान्टिटी के हिसाब से क्यूब्स लेके उसमें डाल के रायता रेडी कर लें। ये टिप आपको बहुत हेल्प करेगी डेली इफ्तार में रायता बनाने के लिए और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। एंड में जो थोड़ा बहुत मैसी हो गया है उसको टिश्यू की मदद से साफ करके इसको फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दें। चने बॉईल हो चुके थे, उसको मैंने खुले बर्तन में डाल के पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ही हम उसके पैकेट्स बनाएंगे। मैंने अपनी फैमिली की क्वांटिटी के हिसाब से बनाए हैं, आप अपनी की क्वांटिटी के हिसाब से बनाएगा। और जिस पानी में आपने चने बॉईल किए हैं उसको फेंकना नहीं है, उसको भी साथ ही स्टोर करना है क्योंकि सारा टेस्ट ही उसी में होता है। अब ब्रेड रोल्स को स्टोर करेंगे। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके मेरी वो वीडियो देखें और ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। समोसियों की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। मैंने फ्रोजन आइटम्स को जिप लॉक बैग्स में स्टोर करके फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए हम जिस भी बर्तन में बेसन को छानना है उसको सबसे पहले टिश्यू से अच्छे से साफ़ कर लें ताकि कोई भी पानी का ड्रॉपलेट ना रहे। अगर तो होगा तो आपका बेसन चिपक जाएगा। जिस लिफाफे में बेसन है उसको मैंने ऊपर से काट लिया है ताकि बेसन निकालते हुए मैसी ना हो। अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में या किसी जार में डाल के फ्रिज में स्टोर कर दें। बेसन को स्टोर कर लिया है, अब नेक्स्ट टिप की बारी आती है। उसके लिए हम दही बड़े बनाने के लिए बड़ों का मसाला तैयार करेंगे। रोज़ रोज़ बनाने से बेहतर है आप एक ही बारी मसाला बना के रख लें, इससे आपका टाइम सेव होगा। उसके लिए हम बेसन में ऐड करेंगे नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च और मीठा सोडा डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको एक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर लें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और टिप्स के साथ माश की दाल के बड़े बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये बेसिक सी टिप्स पसंद आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।